हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर्यन ग्लोरी में। और आज हम आपको बताएंगे परसेंटेज में फेल और पास रिलेटेड क्वेश्चन, जिसको आप बिना पेन और कॉपी के कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 70% स्टूडेंट मैथ में पास हुए, 60% साइंस में और 40% दोनों सब्जेक्टों में पास हुए, तो ज्ञात कीजिए कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको जान लेते हैं क्या। दोस्तों देखिए, जो भी परसेंटेज होता है उसको हम 100 पर ही निकालते हैं। कितने पर दोस्तों? 100, उसको हम 100% पर ही निकालते हैं। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा दो मेथड होता है। दोस्तों पहले देख लेते हैं अपना पहला मेथड, वो क्या है। दोस्तों देखिए कि यहाँ पर हमसे पूछा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए, फेल पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ दिया है 70% स्टूडेंट मैथ में पास हुए, तो फेल कितना हुए दोस्तों? फेल हुए 30% स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे 30 प्लस। अब यह है 60% साइंस में, मतलब 60% स्टूडेंट साइंस में पास हुए, तो दोस्तों फेल कितना हुए? फेल हुए हमारे 40% स्टूडेंट, तो हम लिख देंगे प्लस 40 माइनस। अब यहाँ पे क्या है, 40% दोनों में पास हुए, मतलब 40% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, तो दोस्तों अब फेल कितना हुए? फेल हुए हमारे 60% स्टूडेंट, तो माइनस 60 कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, किसको सॉल्व कर देंगे? तो देखिए 3 और 4 7, तो हो गया 70। अब देखिए यहाँ पे माइनस 60 है, तो माइनस 60 कर देंगे, तो कितना आएगा दोस्तों? आ जाएगा 10, तो यहाँ गया 10%। दोस्तों यही होगा हमारा आंसर, मतलब कि हमारे 10% स्टूडेंट क्या हुए? फेल हुए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा फर्स्ट मेथड अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते चलिएगा। तो दोस्तों अब आइए हम आपको बताते हैं इसको निकालने का सेकेंड मेथड क्या होता है। दोस्तों वो ये होता है कि जो आपसे पूछा है, दोस्तों हमसे पूछा है फेल, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में हम फेल को ही लिखेंगे। मतलब यहाँ पर है 70% स्टूडेंट मैथ में पास हुए, तो फेल हुए 30%, हम लिख देंगे 30 प्लस। अब 60% साइंस में पास हुए, तो फेल हुए 40%, तो हम लिख देंगे 40 प्लस। और दोस्तों जब भी हमारा दोनों सब्जेक्ट को दिया रहता है, तब क्या करते हैं कि देखिए फेल पूछा है तो हम पास को लिखते हैं, अगर पास पूछता है तो हम फेल को लिखते हैं। दोस्तों हमसे पूछा है फेल, तो पास को लिखेंगे, तो दोस्तों पास तो हमारा ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमारा नंबर दोस्तों चेंज नहीं होगा, 40 रहेगा, हमने लिख दिया 40। दोस्तों अब क्या करेंगे, किसको सॉल्व कर देंगे? तो देखिए 4 और 3 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 110। अब क्या करेंगे कि परसेंट हम हमेशा 100 पर निकालते हैं, तो इसमें से हम माइनस 100 कर देंगे, तो कितना आएगा? 10, तो यहाँ आ गया हमारा 10%। तो दोस्तों इस तरह से भी 10% आएगा और इस तरफ से भी 10% आएगा। तो दोस्तों आपको जिस तरह से अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 70% स्टूडेंट हिंदी में और 75% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, यदि 5% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, तो कितने परसेंट स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? पास पूछा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन सब को हम पास ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है 70% स्टूडेंट हिंदी में पास हुए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 70, क्योंकि दोस्तों हमको पास ऑलरेडी दिया है, तो हम लिख देंगे 70 प्लस। अब यह है 75% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, तो प्लस कर देंगे 75 माइनस। अब यह है दोस्तों 5% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, तो पास कितना हुए? पास हुए 95% पास हुए, तो यहाँ मैं लिखा 95। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 70 प्लस 75 कितना हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा 145, कितना हो जाएगा? 145। अब इसमें से हम माइनस 95 को कर देंगे, तो कितना आएगा दोस्तों? हमारा आ जाएगा यहाँ पे 50, तो 50% हो जाएगा, तो यही हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। दोस्तों 150% तो आ गया। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर हमको दिया है पास, तो हमने आप इसको चेंज क्यों नहीं किया?
किया दोस्तों, इसलिए नहीं किया कि यहाँ पर भी पास है और यहाँ पर भी पास है, दोनों जगह पास है और यहाँ पर क्या है फेल है, यहाँ पास है, तो हमको इसको चेंज करने की जरूरत है। इसको हम पास में चेंज कर देंगे लेकिन इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों हमारा सेम ही आया है। दोस्तों यही जैन होता आंसर, मतलब कि दोस्तों 50% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। दोस्तों आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 34% स्टूडेंट हिंदी में और 42% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हुए। यदि 20% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए तो कितने परसेंट स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमसे पास ही पूछा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए और यहाँ पर हमको दिया है फेल, तो हम इसमें क्या करेंगे कि पास को निकालेंगे। तो यहाँ है 34% स्टूडेंट हिंदी में पास हुए, तो फेल कितना हुए, फेल हुए हमारे 66% स्टूडेंट, कितने हुए 66। तो यहाँ पर लिख लेंगे 66 प्लस, और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है 42% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हुए, तो पास कितने हुए, पास हुए 58 स्टूडेंट्स, कितने दोस्तों 58 स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ है 20% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, तो पास कितने हुए, पास हुए हमारे 80 स्टूडेंट। अब क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 66 प्लस 58 कितना हो जाएगा 124, कितना हो जाएगा दोस्तों 124 माइनस, अब क्या है दोस्तों 80 माइनस 80 कर देंगे तो कितना जाएगा हमारे यहाँ पे आ जाएगा 44%। दोस्तों जो 44% आया है ये जो हमारा आंसर मीन्स कि 44% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, क्या हुए पास हुए। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों मेरी तरफ से जय जय भारत।